गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल क्विर्की अंकिता। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। आज मैं आपको बता देती हूँ, आज मॉर्निंग में मैं ये खीर बना रही हूँ। और क्यों बना रही हूँ, तो आज है मेरे घर मेरे बेटे का मुंडन और अन्नप्राशन संस्कार। तो उसमें सो ऑब्वियस है खीर बनती है हिंदू रीति रिवाज में। तो हमारे यहाँ खीर से ही बच्चे का अन्नप्राशन होता है, दैट्स वाई आज मैं खीर का भोग और प्रसाद बनाया है। ये पहले हम लोग, मैं लड्डू गोपाल जी की पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद हम लोग रिचुअल स्टार्ट करते हैं। सी गाइस, फर्स्टली मैं यहाँ पर चौक बना रही हूँ, जिसे कि शुभता की निशानी माना जाता है हिंदू रिवाज में। तो वहीं बीच में मैं सातिया भी बना दूंगी। तो ये हमारे हर अच्छे शुभ कार्य से पहले होता है। और दूसरा कि इसी के ऊपर हम लोग जो भी आसन रखते हैं या फिर जिसमें बैठते हैं, वो इसी के ऊपर रखा जाता है, उसके बाद हम बैठते हैं उस पर और वहीं पूजा की जाती है। आज मेरे बेटे का हो रहा है मुंडन। सो मुंडन सेरेमनी स्टार्ट करते हैं। चुनागा आज ये टकलू हो जाएगा। चलो कनु, हाँ हाँ, सबसे पहले मेरे घर हो रहा है मुंडन संस्कार। वैसे अगर देखा जाए तो हिंदू शास्त्रों के 16 संस्कारों में से ये 8वां संस्कार होता है गाइस, जो कि कराना बहुत ही जरूरी होता है। माना जाता है कि जो हमारे पेट के बाल होते हैं, आई मीन जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे के आते हैं, आप थोड़ा सा ले लो, अच्छे नहीं होते हैं, उन्हें हटाना बहुत ज़रूरी होता है। एंड दूसरा कि इस संस्कार के बाद मतलब उसका जो मानसिक विकास होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें मान्यताएँ रिवाजों के अकॉर्डिंग हैं, सो इम्पॉर्टेंट फॉर हिंदूज। एंड ये मेरा चुन्ना आज टकला हो जाएगा। और ये देखो फिर कैसा लगेगा, लेट्स सी। गाइस एली की भी हो रही है साथ में। हाँ एली टग्गू हो रही है, टग्गू मुझे लग रहा है मालिश हो रही है। हाँ कितने एंजॉय कर रही है, मालिश हो रही है, नहीं टग्गू हो गया भैया जैसी। देखो टिग्गू तो इतने प्यार से करवा रही है मेरी जुन्ना एली। तो प्यार से करवा रही ना, बिल्कुल नहीं रो रही है। हाँ हाँ हाँ, ये देख अच्छे से बस अच्छा, मैं अभी बोल रही थी रो ही नहीं, बिल्कुल रोने लगे। बस बस हो गया हो गया।
गाइस आज मेरे बेटे का अन्नप्राशन भी है, तो चलो सबसे पहले उसे नहाई नहाई करवाते हैं इसमें। ठीक है मेरी टक्कू का, देखो 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 टक्कू का अन्नप्राशन होगा है, ये राजा विद्या बन गया हूँ मैं तो। चलो आगे वापस चले हम लोग। गाइस शास्त्रों के 16 संस्कार में से एक सातवां संस्कार ये भी है जो कि अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता है। तो मेरे बेटे का आज अन्नप्राशन संस्कार भी हो गया, जिसमें कि हम लोगों ने उसे खीर से किया हुआ है लिटरली, मतलब अब से वो सारे अनाज जो भी होते हैं खाने पीने की चीज़ें खा सकता है अच्छे से। ऐसा ही माना जाता है कि इस संस्कार के बाद ही बच्चा अच्छे से खा सकता है। वो बात अलग है कि उसके फॉर्म हम लोग चेंज कर देंगे, मतलब जैसे मैश करके मिक्सर में पीस के, वो तो बच्चे के अकॉर्डिंग करना ही पड़ता है क्योंकि अभी डाइजेस्टिव सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता है। अभी बहुत अच्छे से आप देख पा रहे होंगे कैसे वो हर चीज़ माउथ में ले रहा है। इवन वो जो बाउल है खीर का, उसे मतलब नहीं है कि खीर है कि नहीं है, बट उसे खाना है
मैं भगवान से यही प्रे करूंगी कि वो जिंदगी भर बहुत अच्छा अच्छा खाए, खुश रहे, हेल्दी रहे, वेल्दी रहे, बस यही मेरी भगवान से दुआ है और भगवान उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे जी। बहुत सारा आशीर्वाद दो मुझे, मैं अच्छे से खाऊं। हाँ, जय जय बोलो, जय 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 जय। गाइस, फाइनली मेरे बेटे का मुंडन और अन्नप्राशन, जिसे राइस सेरेमनी भी कहते हैं, तो वो दोनों हो गए हैं, बहुत अच्छे से हो गए हैं। बहुत सारी, इस बार ना मैंने थोड़ा सा देखा था कि बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, वैसे तो खीर से ही होता है बेसिकली, लेकिन मैंने जो भी बच्चों को पसंद होता है वो सारी चीज़ें अरेंज करके रखा, कोशिश की कि सारी चीज़ें रखूँ। बहुत अच्छे से हो गया उसका अन्नप्राशन, उसका मुंडन, और अभी वो बहुत अच्छे से खाएगा भगवान के आशीर्वाद से। भगवान वो बहुत अच्छे से खाए, स्वस्थ रहे जिंदगी भर, एंड हस्त पुष्ट रहे, यही हम लोग भगवान से ब्लेसिंग्स मांगेंगे। और आप लोग भी मेरे बेटे को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। ये देखो, तनु आंटी भी आ गई हैं, हाँ, ब्लेसिंग देने। गॉड ब्लेस यू बच्चा। हमारा रेडू रेडू बनाए। और दनु आंटी गिफ्ट लाए बिना मन नहीं मानती, जबकि मैंने ना मना किया था। हाँ, ये इसके लिए, छोटी के लिए, छोटी के लिए गिफ्ट, छोटी के लिए। बोले थैंक यू आंटी, अभी मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं आज से खा सकता हूँ। क्या खाया इसने? गैस, मेरे बेटे के सारे रिचुअल हो चुके हैं बहुत अच्छे से, एंड ही इज ब्लेस्ड नाउ, बट स्टिल योर ब्लेसिंग्स आर रिक्वायर्ड, सो कीप ब्लेसिंग हिम एंड अस आल्सो। एंड गाइस, इफ यू लाइक माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। रियली दिस मींस अ लॉट टू मी, एंड कीप वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ।